बोर्ड्स आने थे। हाँ आ रहा है, दिखाइयो। पर क्लिक तो कर उसका बटन। अरे मैं वंश आए एक्चुअली रेस्टोरेंट खाने के लिए, और आज वंश ने मुझे बोला है स्पेशली दीदी बहुत मिनिमल मेकअप करी हो, तो मैंने बहुत एक्सट्रीमली मिनिमल करा है, पर मेरे कैमरे में शायद वो अच्छा आ रहा है ना। हाँ जी, बदतमीजी कर रहा है। पोपच हो गया, पोपच तेजस शर्मा का पोपच हो गया। बस अभी हमें पानी ऑफर हुआ है। यार मेरे साथ आज ना ये गड़बड़ हो गई कि मेरा बुक हो गया। या। बहुत बदतमीजी करता है या पापा करके मेरे साथ। आ गया नहीं, अब आया पर एकदम बीच में नहीं आ रहा। अब सही आ रहा है। हाँ नहीं, ऊपर के बाल कट गए। हाँ अब एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो बस अब ना मुझे नहीं पता शक्ल मैंने क्या देख रखी है। मैंने जल्दी और फिट चेक करा दूं लोगों को। फिट चेक क्या हमें टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना जो हम शूट करने आए हैं वो शूट कर लेना नहीं चाहिए। पंच पर ये ध्यान रखना है अगर यहाँ पहले से कोई बैठा है तो हमें उसको नहीं लेना है। नहीं। लेना है कल को नहीं लेकर। हाँ मतलब वहाँ अगर कोई कपल बैठा है ना पहले से। मुझे लगता है मेरे बाल बड़े तो हो गए पर थोड़े और बड़े हो जाए। क्या चाहता है चेक करना आपके फोन की क्वालिटी। 24 घंटे मेरे फोन की बुराई करता है। गिरी हुई है जी। चल यार शूट कर दे। गाइस ये नमक में क्या पड़ा हुआ है, मजाक से हटके मैं अभी फोटो खींचती हूँ और आयुषी को भेजती हूँ क्योंकि मेरी दोस्त है ना वो शेफ है। कीड़े में क्या पड़ा हुआ है? कीड़े तो नहीं, नमक में कीड़े पड़ते नहीं है। तो कीड़े नहीं है, तो कीड़े है। पर मैं आयुषी को भेजूंगी है क्या, मैं उसको पूछूंगी। चलो दिखाती हूँ कुछ बिहाइंड द सीन्स। यहाँ अभी शूट चल रहा है। एक्चुअली आज आए थे हम ये GK's रेस्टोरेंट यहाँ का शूट करने के लिए। तो यार देखो पीछे शूट में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम जाते हैं शूट हो जाता है। बहुत टाइम टेकिंग होती है सारी चीज़ें। बहुत गर्मी भी लगती है, बहुत ज़्यादा मच्छर भी काटते हैं क्योंकि अलीगढ़ के मच्छर तो आपका पीछा छोड़ ही नहीं सकते हैं। बेटा चुपके से चल, रुक जा अभी नहीं, शट अप। देखो ये बदतमीजियां करता है ये अपने पेज के लिए। हंस मत ना। तो क्या जाए ना चमड़ी है लगती तो। 1 2 3 को हमारे शहर में एक नया आइसक्रीम वाले भैया आए हैं, ये जिंगल बेल है। चल यार सच में घर चल, मम्मी ना जिंदा गाड़ देंगी। स्कूल जाना रात में तोड़ दो यार उनका सब, भैया ऐसे रख लो यही। खोल यार खोल। मैडम जी आपके लिए। मुझे छोड़ के चल देता यार। मारा नहीं जी, मैं तो आपका पीए हूं जी। ये कहीं भी आपको मिले तेजस शर्मा तो आप उसे मेरा एज अ पीए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है ड्राइवर गाड़ी निकालो। पीए ड्राइवर गाड़ी। अच्छा आप तो पीए की नौकरी से खत्म हो गया, ड्राइवर वाली। चलो चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। चलो बुकाटी की मौसी की बेटी निकालो। चलो मौसी की बेटी की चाचा। चल ले यार बहुत बातें करता है, इससे 2 मिनट बातें करने के लिए खड़े रहोगे तो 3 घंटे लगातार बातें करता है। गिरा देगा मुझे। वंश फोन रख दे। पूरे रास्ते ही नहीं चलाऊंगा, देख लो आप पूरे रास्ते स्कूटी नहीं चलेगी। वंश मैं क्लिप दे दूंगी अपने फोन में से, प्लीज रख दे। मैं तो ऐसे डालूंगा। ठीक है चलो। ये अब तक फोन पे टेंपर चलवाना चलवा के। वंश प्लीज घर जा रहे हैं, दुकान बंद हो गई है। अब यार अपने फोन में टेंपर डलवाएगा, मेरे को लग रहा है मैं घर पहुंचू, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। अरे बदतमीज चिल्ला बिल्ला मत कर मेरे साथ।
अपन ने मेरा लाड ले। मैं बिल्कुल माइक उससे बोला था, मैंने कैमरे का क्या अपन ने मेरा लाल अपन ने मेरा लाड ले ₹100 का टेम्पर बढ़ रहा है। हमेशा कह रही हूँ उसको इतनी ज्यादा खांसी हो रही है, भैया से दवाई पूछ ले और अभी जेनेरिक स्टोर पड़ेगा वहां से हम लेते जाएंगे, शायद खुल रहा हूँ। वैसे यार 10 बज गए हैं, मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि खुल भी रहा होगा या नहीं खुल रहा होगा। लाइट चले नहीं नहीं यार रह भी सकते भैया, रखे तो मैं तो रह लूंगा। तुझे क्यों रखेंगे, शॉप पे रख ले। अच्छा शॉप पे रखो भैया इसको, अपनी शॉप पे रख लो भैया। ओ पुलिस पुलिस भैया ऐसे ही काट दो चालान की कर रही हूँ यार, वो सच में इधर आ रहे हैं, मेरे को बहुत डर लगता है। आने वाले तो ले जाएगी भैया, मैं नहीं उसके साथ, मैं इसके साथ नहीं हूँ यार। देखो सच में तुझसे कहने भी चाह रहे, स्लो देख ले, मुझे देख रहे हैं। मुझे क्यों देख रहे हैं, हट गंदा मत बोल। अरे मोड़ने तो बैठे हुए बैठ के क्या करिए आप, बैठ काफी थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, पर इट इज डेफिनेटली ओके, क्योंकि कभी कभी अगर आपको लगे थोड़ा लेट भी उठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। तो अब एज ऑन की दिवाली बिल्कुल सर पे है, तो आज मैं सर कर रही हूँ दिवाली की सफाई स्टार्ट। कल मैंने अपनी अलमीरा क्लीन कर ली थी, और आई नो कि काफी दिनों से ब्लॉग नहीं आया है, पिछले जो कुछ ब्लॉग था जो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा वो काफी दिनों का मिक्सचर था, अब ऐसा नहीं होगा, आई डेफिनेटली मेक श्योर। तो बस अब मैं कर रही थी आज अपने, इतना सारा क्या लाया है, अपने लिए भी लाया है, अपने लिए भी लाया है, बोल नहीं रहा है, अपने लिए भी लाया है। मैंने नहीं करवाया, अपने लिए भी लाया है जी। आप रोड पे तो करते हैं वो भी नहीं देते, तो वो भी नहीं मांगते, आप दो दी तो देना ही नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो नहीं देती, अपने लिए भी लाया है। फैन मत चला यार, मैं काम कर रही हूँ, उस मम्मी वाले रूम में चला लेना, मम्मी पूरे घर में बुझ जाएगा। जा ना, और तू ये शेव करके ना सच में बहुत गोरा लग रहा है इंसान। कितनी बार गई भाई, कितनी बार गई, क्योंकि तो मुझे देखने में बार बार लग रहा है, तो मैं कहूंगी ना फिर आंखों में गोरापन जलन हो रही है, देख तेरे मुझे जलन हो रही है, अपने मुझे का लग रहा है आंखों में, मैं बार बार लग रहा है, मुझे आंखों से बार बार दिख रहा है तू गोरा लग रहा है, मैंने ये कहा, तूने क्या सुना, वीडियो चेक कर दिए तू, कुछ भी बोलने से क्या, कुछ भी तो रिस्क साबित हो जाएगा। मैंने दवाई वाला बॉक्स कर दिया है, मम्मी का बॉक्स क्लीन कर दिया, अब चलो बाकी का कुछ कुछ क्लीन कर। आज काफी दिनों के बाद मैंने आज सूट पहना है, और ये ब्लू वाला तो स्पेशली बहुत ही दिनों के बाद पहना, और वंश जा चुका है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, इससे पहले वंश की बाहर से आवाज आए मुझे चल लेना चाहिए। वंश माइक वगैरह लेना है कुछ है मेरे पास, माइक लेना हो तो बता दे, माइक अंकल नमस्ते। मेरी कसम मत खाया कर, मेरे पीछे और भी बहुत बड़ी पूरी दुनिया पड़ी हुई है अभी, और हमें मैंने आज टाइम दे रखा था 6 बजे का, और 6:36 से मुझे यही बजा रहे हैं। मैं जब घर पहुंचा था 6:17 हो रहे थे, मुझे अभी तक कहता आप जब जूती पहननी थी, और आप मैंने कॉल की थी 5:16 और आप नहाने घुसी थी, तब मैं नहाने घुसी, क्योंकि आप नहीं, तब मैं आधे ज्यादा नहा चुकी थी, मैंने आपके फोन पे कॉल की थी, आपने उठाई नहीं, फिर मैंने मम्मी के फोन पे कॉल की, अच्छा मम्मी ने उठाई, तो मैंने मम्मी ने कहा था कि मम्मी ये करा देना उससे, और वो तो मुझे खुशी ने बताया, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, थैंक्स टू खुशी थी उसने मुझे बता दिया, मम्मी तो एकदम चिल थी। रो तुम कबाबी से लिखाना, तो बिरयानी नीचे बिरयानी इन मंदिर की स्पेशलिटी है, मंदिर की बेचक की स्पेशली है, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसमें लिखूं बिरयानी इन मंदिर। ओके So he is my non-paid manager, जो हमें इनोवेटिव आइडियाज देता है। अब इसकी थोड़ी तारीफ कर दी है, तो आप लोग इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, हंसी झूठ रही है, एक्सप्रेशन नहीं जाएंगे। रेस्टोरेंट भी लिखना है पूरा,
क्यों सिर्फ कबाबिश ले आज ही ब्लू सूट मैंने बहुत दिनों के बाद पहना है, बहुत ही ज्यादा दिनों के बाद। और यार मेरी वो जो तुलसी माला थी ना वो टूट गई थी पिछली बार ग्रीन वाली, पर मेरे पास ये एक्स्ट्रा रखी हुई थी ब्लू जो मुझे याद ही नहीं थी। कल मैंने अपनी अलबेना क्लीन करी तो मुझे याद आ गई, तो मैंने आज इसको भी पहन लिया। और मम्मी ने मुझे स्पेशली बोला कि अपने बालों को पूरा खोलियो मत, ऐसे बंदे ही रहने दियो। और आज हम आए एक बहुत सिंपल, बहुत एलिगेंट, बहुत स्वीट से रेस्टोरेंट में। वंश यार जब तक मेरा एक फोटो खींच दे, तो अपने फोन से खींचता फिर देता तो है भाई। इसके बालों में कीड़े हैं कि जुए हैं पता भी नहीं चल रहा, कितने हार्ड बाल हैं गंदे यार। वंश भी अपना व्लॉग बना रहा है, साथ में मैं भी अपना बना रही हूँ। तो यहाँ हमने बहुत सारा, ये टिश्यू नहीं है खाने के लिए। जल्दी भी घर जाके अब मम्मी को दिखाऊंगी तूने ठंडा पिया है। तूने पिया तो है पर ठंडा थोड़ी है। क्यों है तो बनता तो ये ठंडा से है। मम्मी ने इसे मना करा है कहीं भी चाचा के साथ बाहर जाना, कुछ भी ठंडा वरना दिखाना, क्योंकि दवाई खा रहा है, इसको बहुत खांसी हो रही है। आई ना खांसी हाँ पर खाना सच में एक बार तो एक बाइट तो टेस्ट कर सकता है, एक बाइट भी टेस्ट करेगा तेरे को उल्टी आ जाएगी ना। मैं तो एक रोटी भी नहीं खा पा रही हूँ रुमाली, उसमें मेरा पेट भर रहा है। गरम करो, गरम है, ठंडी में खिस्ती होने। मजा आ गया, इतना सारा खाना है समझ भी नहीं आ रहा है। वंश चले खाऊं अगर ठंडा नहीं हो तो रायता खा लेना। ठंडा है सबसे ज्यादा टेस्टी। तुझे क्या लगा बिरयानी? तूने ये पनीर लवाबदार तो टेस्ट भी नहीं करा। पर मुझे पनीर लवाबदार बहुत अच्छा लगा। मंदी भी अच्छी है। हाँ मंदी भी अच्छी है, मंदी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, पर पनीर लवाबदार का कोई जवाबदार नहीं है यहाँ। मुझे ये जितना रसमलाई शेक, शायद मैं बार बार नाम भूल लूंगी, पर हाँ ऐसे ही देखता हूँ। और ये वाटरमेलन मोहितो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। और पता है जब भी मैं अपने हेयर टाई करती हूँ, आप लोगों को तो पता है ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है। मैंने आज सफाई करे तो मेरे इतनी तेज़ सर में दर्द हो रहा ना, अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंद होगा, मतलब बंद तो ऑब्वियसली बात होगा, पर वो टैबलेट खाने के बाद बंद होगा। आई एम सॉरी फॉर द बर्ड, वो टैबलेट खाने के बाद बंद होगा, पता नहीं कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा। कितना बिजी है ये द बिजी प्राइम मिनिस्टर।